यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाथरस मामले में पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट करवाए जाने के फैसले पर रोक लगाए जाने वाली मांग वाली आज लेटर पिटीशन पर सुनवाई हो सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले में सुनवाई हो सकती है। एक लेटर पिटीशन दिया गया है जिसमें यह मांग की गई है कि जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको ये बता दें कि नार्को टेस्ट करवाया जाएगा पीड़ित परिवार का, और दूसरी तरफ इसी का विरोध किया जा रहा है और पहुंच गए हैं हाईकोर्ट कुछ लोग, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये लेटर ऑफ पिटीशन दाखिल की गई है और ये मांग की गई है कि परिवार का नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए, और परिवार भी यही कह रहा है कि नार्को टेस्ट वो नहीं करवाना चाहते हैं। तो इस खबर पर हमारे संवाददाता भी हमारे साथ ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। हाथरस में इस वक्त मौजूद है हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय और मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। मोइन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, लेटर पिटीशन क्या आज सुनवाई होगी, होगी तो कितने बजे होगी और क्या कुछ हो सकता है सुनवाई में? जी बिल्कुल, हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने जब 7 पुलिसकर्मियों को, एसपी समेत 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया था, तो उसमें एक बात यह भी कही थी कि जो पीड़ित परिवार है और जो आरोपित पक्ष है और उनके साथ साथ जो पुलिसकर्मी हैं, उन सभी का नार्को टेस्ट कराया जाएगा। तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पूर्व में पत्रकार रहे हैं, मुंबई के रहने वाले साकेत गोखले ने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस गोविंद माथुर को एक लेटर पिटीशन भेजी है और उसमें कहा है कि ये जो उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला है ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। पीड़ित परिवार खुद इंसाफ की मांग कर रहा है लेकिन आप उससे अपराधियों और आरोपियों जैसा बर्ताव कर रहे हैं, उसके नार्को टेस्ट कराए जाने की बात कर रहे हैं, तो ये जो न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत है उसके भी खिलाफ है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से इसी बात की गुजारिश की गई है कि जो राज्य सरकार का फैसला है उस पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए और उस फैसले को बदल दिया जाए। क्योंकि ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले से पेंडिंग है, जो लखनऊ बेंच है उसने इस मामले में कॉग्निजेंस लिया है, तो कहा यह गया है कि कम से कम 12 अक्टूबर तक के लिए हाईकोर्ट रोक लगा दे, ताकि जब 12 अक्टूबर को लखनऊ बेंच में इस मामले में सुनवाई होती है तो जो दूसरी बेंच है वो इस मामले में जो चाहे वो उचित फैसला ले। लेकिन साफ तौर पर कहा गया है कि ये न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के खिलाफ है, पूरी तरह गैर कानूनी है और पीड़ित परिवार को और तकलीफ देने वाला है। तो इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट आज कोई फैसला ले सकता है, हालांकि अभी ये तय नहीं है कि इस मामले में सुओ मोटो लेगी कि नहीं हाईकोर्ट, ये तय करना चीफ जस्टिस को है। लेकिन अगर सुओ मोटो लिया जाता है, इस लेटर पिटीशन को इंटरटेन किया जाता है, तो हाईकोर्ट आज कोई डायरेक्शन जारी कर सकती है या राज्य सरकार से जवाब तलब कर सकती है। ठीक है मोइन, मैं आपके पास लौट रहा हूं। तो ये कहा गया है कि अपराधियों आरोपियों जैसा सलूक परिवार के साथ ना हो, इसलिए नार्को टेस्ट उनका नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ ये भी दलील दी जा रही है कि किसी बेगुनाह को गुनहगार साबित ना किया जाए, किसी बेगुनाह को सजा ना मिले, इसलिए ये जरूरी है कि जब बयानों में बहुत ज्यादा बदलाव, बहुत ज्यादा भेद दिखाई दे, तो ऐसे में नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए और ये न्याय की दिशा में आगे बढ़ेगा। सीधा रुख करते हैं हाथरस का। हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन, कल के दिन हमने देखा, हम तो रोजाना देख रहे हैं कि हाथरस में क्या कुछ चल रहा है, क्या पॉलिटिकल ड्रामा वहां पर चल रहा है। आज के दिन पहला, तो सुरक्षा व्यवस्था वहां पर किस तरह की दिख रही है, आज किस तरह की पॉलिटिकल हैपनिंग हो सकती है, राजनीतिक गतिविधियां किस तरह की रह सकती हैं, क्या कुछ खबर है कि कौन आ सकता है, किसी किसी पार्टी का कोई डेलीगेशन क्या आज भी आ सकता है जैसे कल हमने देखने को मिला, और इसके अलावा जिलाधिकारी कहां है? देखिए राजीव, बिल्कुल कहा जाए जो बुलगड़ी गांव है वो सियासत का पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी बड़े स्तर पर पुलिस फोर्स डिप्लॉय है पूरे गांव में, लेकिन जिस तरह से लगातार एबीपी गंगा सवाल खड़ा कर रहा है कि इतनी बड़ी जो साजिश रही है और जिस तरह से जो खुलासा हुआ है, जिस तरह से विदेश से फंडिंग की गई है और तमाम इस्लामिक कंट्रीज से फंडिंग की गई है, एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेके पीएफआई और एसडीपीआई का नाम सामने आ रहा है, जिस तरह से मॉफ्ट फोटो, जो फोटोशॉप फोटो लगा के लगातार जातीय संघर्ष कराने की जिस तरह से बड़ी साजिश का उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्दाफाश किया है, उसकी बड़े स्तर पर सरकार जाँच कर रही है, स्क्रीनशॉट सामने आए, कुल मिला के समझा जा सकता है कि हाथरस दंगे के बहाने कुल मिला के
सरकार को अस्थिर करने की एक बड़ी योजना थी, एक बड़ी प्लानिंग की थी, जिसका पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है। और कल जिस तरीके से लगातार जैसे ही योगी सरकार एक्टिव होती है और उसके बाद ही उस वेबसाइट को, फेक वेबसाइट को बंद कर दिया गया है, उसके तमाम उसमें स्क्रीनशॉट सामने आए हैं, किस तरीके से उसमें फंडिंग की बात कही जा रही है, प्रॉपर लिंक दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ी साजिश इस हाथरस कांड के बहाने थी, किस तरह से इसमें पूरी तरह से जो सरकार ने साफ किया है इस्लामिक कंट्रीज, जो गल्फ कंट्रीज से लगातार इसको लेकर फंडिंग हो रही थी और ये तमाम चीजें बताई जा रही थी कि किस तरह से प्रोटेस्ट किया जाए, मास्क लगाकर किस तरह से प्रदर्शन किया जाए, अपनी आइडेंटिटी को किस तरह से छुपाया जाए, कहां आपको डोनेट करना है और किस तरीके से सरकार को घेरना है, तो आप समझ सकते हैं बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। और यही वजह है कि आप समझ सकते हैं कि इसी साजिश के तहत सोशल मीडिया और कुछ हद तक मीडिया के जरिए कम तमाम अफवाहों का बाजार गर्म किया गया, तमाम कहा जाए गलत खबरों, फेक न्यूज़ को पूरी तरह से प्रमोट किया गया। और यही वजह है कि आज सरकार बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति में है और ऐसे में अब ज़रूरत है कि ऐसे तत्व जो लगातार सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं बेनकाब किया जाए। इसके साथ राजीव, दूसरी जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा एबीपी गंगा का बना हुआ है कि आखिर अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार पर कब सर्जिकल स्ट्राइक होगी, बड़ा सवाल एबीपी गंगा पूछ रहा है। इसके साथ ही और जो अन्य अधिकारी हैं जिसकी वजह से पूरी तरह से जो कहा जाए, और ये सवाल तब तक बना रहेगा जब तक कार्रवाई होगी नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरे अधिकारियों पर कार्रवाई करते हैं, छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई करते हैं, तो फिर जो बड़ा अधिकारी है जिसने निर्णय लिया है उसको अब तक क्यों छोड़ा गया है। आप नितिन नजर बनाए रखें, आप अपडेट्स के लिए हम लगातार आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और मोइन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस मामले में जांच चल रही है, बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आ रही है, बहुत सारे जहरीले सोच जो जहर उगलना चाहती है और सामाजिक विद्वेष फैलाना चाहती है, ऐसे लोगों पर भी सरकार की नजर